सुनो क्या बोले। हुआ है अभी बाण मारने का समय नहीं है भैया, तुम योद्धा नहीं कहलाओगे। पार्थ रुक जाइए, रुको ना बोले। अरे सिर में केसरी नाली सब हमें, अरे सुनियो कृष्ण कन्हैया, अरे मौका ना है बाण मारन को कम खाई जा। जब आराधना की है बाण की तो खाली हाथ देखा है कुछ नहीं आया, शक्तियां भगवान ने पहले से ही खींच ली कर्ण की। हुआ क्या, अंतिम समय आ रहा है। अरे करी करी सोच कर्ण पछता है, अरे करी करी सोच कर्ण पछता है, अब का करी। अरे पढ़ के बाण मारो पार धनी डूब गई बाकी नैया। पारत सुनो, अरे अरे क्रोध आई गो कर्ण वीर को, अरे क्रोध आई गो कर्ण वीर को, तू सुन कुंती के सैया, अरे मौका नाय बड़ मारन को कम खाई जाए तुम भैया। जब नैया डूबी है कर्ण की, जब बाण लगा है, जैसे ही सीने में बाण आया, भगवान का नाम पुकारने लगे हैं कर्ण। भगवान कन्हैया पास में आए और इतने रोए भगवान। जवाब दियो है बेटा ध्यान भी रखना, जितना मेरा भगवान त्रेता में राम जटायु के लिए रोए और द्वापर में भगवान एक कर्ण के लिए रोए, इतने
रोए भगवान इतने रोए। जो वाऊ दियो है बेटा करण, मैंने तेरे साथ बुरा नहीं बल्कि बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया बेटा। मैं नहीं कहता कि तुमने अधर्म की लड़ाई को लड़ाया, लेकिन मैं कह रहा हूँ तूने अधर्म की लड़ाई नहीं बल्कि धर्म की लड़ाई को लड़ा है। अगर तू अधर्म की धर्म अधर्म की लड़ाई को लड़ता तो मैंने तुझे सब कुछ दिखा दिया था कि तेरी मौत इस प्रकार से होनी है, तो तू उस दुर्योधन का साथ छोड़ के पांचों भाइयों के पास चला जाता, लेकिन तूने अपने दृढ़ संकल्प को पीछे नहीं हटाया। आज बेटा जा रहे हो, लेकिन कर्ण मैंने सुना है तू बड़ा दानी है, दानी है बेटा। जवाब दियो प्रभु, दानी तो बहुत था लेकिन अब तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है प्रभु। कवच कुंडल थे वो भी नहीं है, पांच बाण परशुराम के थे वो भी नहीं है, अब तो कुछ नहीं है प्रभु। जवाब दियो है माधव ने हंस के, ए बेटा आप अभी झूठ बोल रहे हो क्यों? जवाब दियो माधव, कुछ नहीं है मेरे पास। भगवान ने जवाब दिया, अच्छा फिर भी झूठ, मरते मरते इतना दानी इतना दान कर गए, लेकिन मरते 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 भी कुछ दान दिए जाओ। आपने सबको दान दिया, लेकिन आज हम तुमसे दान मांग रहे, हमसे हमको दे जाओ दान। भगवान कन्हैया से कर्ण ने जवाब दियो है कि जिस प्रभु से क्या छुपा हुआ है। जवाब दियो है भगवान ने, बेटा तेरे पास जो सोने का दांत है ना उसे दे दो। कर्ण ने जवाब दियो है कि सब कुछ लुट गया, लेकिन ये भी रह गया है, इसको आप ले जाओ, मरते मरते दान भी लुटा जाए, कुछ नहीं लेके जाएंगे। ध्यान भी रखना, कर्ण के पास सोने का दांत था, सोने का। भगवान कन्हैया को जब सोने का दांत उखाड़ के दिया है कर्ण ने, भगवान ने नहीं पकड़ा, जवाब दे दिया अभी तो ये शुद्ध नहीं है बल्कि अशुद्ध है, इसको शुद्ध करके दे दो। अंतिम सांस चल रही है, किसका नहीं जा रहा है, भगवान परीक्षा ले रहे हैं। ध्यान भी रखना, भगवान गोदी में लेने से पहले गिराता बहुत है, बहुत गिराता है। अगर जो भी भक्त भगवान गिराएगा, एक बार गिराएगा, दो बार गिराएगा, चार बार गिराएगा, दस बार गिराएगा, जो कोई अपने करेज यानी साहस को तोड़ देता है वो भगवान का भक्त नहीं कहलाता, वो भगवान का भक्त नहीं बन पाता। भगवान एक बार दो बार दस बार बीस बार गिराएगा, लेकिन अंतिम समय पर भगवान भी जान लेता है कि इसका साहस नहीं टूट रहा है, अब तो मुझे इसको गोदी में उठा लेना सही है। वो होता है भगवान का भक्त। आज भगवान कन्हैया ने परीक्षा ली है कर्ण की, जवाब दे दियो बेटा आप इसको किसी जल में धो के हमें दो तब शुद्ध होगा। कर्ण ने जब बाण मारा है जमीन में, जब जमीन में बाण मार दिया, जल प्रकट हो गया, उसी जल में अपने दांत को धो करके केशव को दे दिया। तो कर्ण की भी हार्दिक इच्छा थी, केशव तुमने मेरे साथ अच्छा किया है, वो मानता हूं कि तुमने अच्छा किया, लेकिन तुमने तो अपनी अंतिम इच्छा पूर्ण कर ली, हमारे पास से जो सोने का दांत था वो ले लिया, लेकिन हमारी भी इच्छा है क्या? भगवान बोले बेटा तुम परीक्षा में पास हो, मांग लो क्या मांगना चाहते हो। तो कर्ण ने सिर्फ एक ही जवाब दिया, केशव सिर्फ हमारी हार्दिक इच्छा है, कुछ नहीं सही है प्रभु। अगर मुझे जलाना, मेरी लाश को जलाना, तो ऐसी जगह जलाना जहां कहीं शमशान न हो। भगवान कन्हैया ने इतनी बात सुनी, बड़े चक्कर में पड़ गए। दुनिया को चलाने वाला भी थोड़ी देर के लिए बड़ी चक्कर में पड़ गया उस कर्ण के शब्द से। भगवान विचार करने लगे, अब इस कुंती को छैया को कहां जलाऊं। भगवान ने दुनिया का एक भी कौन ऐसा नहीं छोड़ा, कड़कड़ परेख करके देख लिया, हर जगह शमशान ही शमशान नजर आ रहा है, बड़े चक्कर में है। जवाब दे दिया था कर्ण ने, प्रभु ऐसी जगह जलाना कि जहां कोई जला ना हो, जलाना वहां जहां कोई जला ना हो। विद्वान एक कभी कल्पना कर रहा है, जलाना वहां जहां कोई जला ना।
भगवान ने कड़कड़ पड़े के देखा, हर जगह हड्डियां मांस हर जगह शमशान नजर आ रहा है। भगवान चक्कर में पड़ गए, अब क्या करना सही है, इसके वरदान को तो पूर्ण करना है। भगवान ने अपने हथेली पर कर्ण वीर की लाश को जला दिया। बोली वाल कृष्ण भगवान की जय। भगवान ने जब अपनी हथेली पर जब कर्ण वीर को जला दिया, श्रोताओं बताया जाता है उधर में जब इस प्रकार पांडवों की भगवान कृष्ण की वजह से विजय हुई और कौरवों की पराजय हो गई। जब पराजय हो गई, श्री सूत जी समझाने लगे, हे सोनकांत कृषियों, बताया है जब भीष्म पितामह उधर में स्वर्ग के लिए चले गए, स्वर्ग के लिए चले गए, देवता सभी पुष्पों की वर्षा करने लगे, सभी ने अंतिम संस्कार किया है भीष्म पितामह जी का। श्रोताओं उधर में श्री सूत जी समझाने लगे, भीमसेन सोच रहे हैं कि भैया युधिष्ठिर, हमने भैया अर्जुन को भगवान कन्हैया के साथ में द्वारका भेजा था, वो अभी लौट के क्यों नहीं आया, क्या होने वाला है, मेरी बार बार वाई जंगा और भुजा बार बार फड़क रही है। तब तक अर्जुन आते नजर आ गए, आते दिखाई दे दिए तो रास्ते में भीलों ने गोपियों को लूट लिया, गोपियों को लूट लिया। जब गोपियों को लूटा है भीलों ने, अर्जुन ने जब धनुष बाण चढ़ाया तो कुछ शक्ति नहीं थी उसमें, सोचने लगे कि मैं वही अर्जुन हूं, मेरे पास वही गांडीव धनुष है, लेकिन मैं जानते हुए भी इनकी रक्षा क्यों नहीं कर सकता। अंदाजा भी लगाना, जिस दिन जो अर्जुन के गांडीव धनुष नहीं थे महाराज, अर्जुन को अपने गांडीव धनुष पर इतना बड़ा घमंड था, बहुत बड़ा घमंड था, तो भगवान कन्हैया ने भी एक दिन बोल दिया था कि हे अर्जुन, तुम्हारे घमंड को तो हम अपने हिसाब से चूर कर देंगे। जब पांडवों की विजय हो गई, उसके बाद भगवान अर्जुन को अपने साथ द्वारका में ले गए। जब द्वारका में ले गए थे तब अर्जुन के हवाले गोपियों को कर दिया था, सारी गोपियों को अर्जुन के हवाले किया कि हे अर्जुन, हमारा तो अब इस भूलोक को छोड़ने को, हम अब इस भूलोक को छोड़ करके परम धाम के लिए सिधारना चाहते हैं, क्योंकि इन गोपियों को तुम्हारे हवाले करते जा रहे हैं, इनकी रक्षा करना। जवाब दियो ठीक है। जब गोपियों को हवाले किया भगवान ने अर्जुन के, तो एक बार वो जरूर कहा था कि हे अर्जुन, तुम्हारे गांडी वो धनुष कहाँ है, हमने उनको हाथ में नहीं लेके देखा है, एक बार हमें हाथ में दे दो। जब भगवान ने गांडी वो धनुष को हाथ में लिया, जितनी भी शक्ति थी अर्जुन के गांडी वो धनुष में, भगवान ने सारी शक्ति को खींच लिया। साधारण धनुषों पकड़ा दिया जाओ, कोई भी शक्ति नहीं थी, और गोपियों को साथ भेज दिया। गोपियों को भीलों ने लूटा, अर्जुन ने वही जब शक्ति का आचमन किया, जब शक्ति को पुकारा, शक्ति नहीं थी, साधारण धनुष था, कहां से रक्षा कर सके। अब याद आ रहा है अर्जुन को कि प्रभु मैं वही अर्जुन हूं, वही मेरे गांडीव धनुष है, इन्हीं स्त्रियों की, इन्हीं गोपिकाओं की वजह से मैंने महाभारत को जीता था, लेकिन आज मेरा मान भंग हो गया, क्या करें। अर्जुन ने जानते हुए भी गोपियों की रक्षा न कर पाए। जब पास में आए हैं, युधिष्ठिर जी ने बड़े प्यार के साथ बिठाया अर्जुन को, ध्यान भी रखना, जिस समय मेरे प्रभु माधव कन्हैया भूलोक को छोड़कर के परम लोक के लिए सिधारे, उसी दिन से ये कलयुग आ गया था, कलयुग आ गया। एक दिन का वृत्तांत है,